पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के लिए भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 तय। कप्तान रोहित शर्मा करेंगे टीम कॉम्बिनेशंस में बदलाव। अचानक टीम में हो सकते हैं ये तीन बड़े बदलाव। तो जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर तस्वीर साफ कर दी गई है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो टीम है जिन्हें T20 में हम खतरनाक मान रहे थे, लेकिन इनकी शुरुआत USA के खिलाफ हार से हुई है, जिसके बाद इनकी टीम ने वो डिनर भी पोस्टपोन कर दिया था जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हुई है। यानी एक तरफा वो टीम है जो USA से हार के आ रहे हैं, जो पहले आयरलैंड से हार के आ रहे हैं, लेकिन एक तरफा वो टीम है जिन्होंने आयरलैंड को बहुत बड़े मार्जिन से हराया। इंडियन क्रिकेट टीम जो 100 रन से अंदर आयरलैंड को ऑल आउट करते हैं और उसके बाद महज 13-14 ओवर में ही एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके अपनी प्लेइंग 11 के बहुत सारे सवालों के समाधान को लेकर आ रहे हैं। इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात यह है कि हार्दिक पांड्या फॉर्म में है, ऋषभ पंत फॉर्म में है, लेकिन कुछ अभी भी सवाल बने हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव भी संभव है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि उसी मैदान पर भारत पहले दो मुकाबले खेल चुका है, बांग्लादेश के खिलाफ खेल चुका है, आयरलैंड के खिलाफ खेल चुका है, तो भारत के यहां पर प्रोबेबल जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपको एक तो पहले ही इस पिच पर दो मुकाबले खेल चुके हैं, ऊपर से पाकिस्तान USA से हार के आ रहा है, लेकिन देखिए पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनका अगर दिन हुआ तो फिर ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने वाले हैं। लेकिन चलिए देखते हैं इस मुकाबले के लिए, जो कि महामुकाबला होगा 9 जून को, जो कि नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम, मॉड्यूलर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसकी प्लेइंग 11 इंडियन क्रिकेट टीम की क्या है, किस कॉम्बिनेशन के साथ में जाने वाले हैं, इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस छोटी सी राय जानना चाहते हैं, भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को आप एक तरफा मानते हैं या कॉम्पिटेटिव मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं विनर टीम का नाम आपकी राय में, और इंडिया के फैंस वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं प्लेइंग 11। तो जी हां, न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में रोहित शर्मा ने साफ कहा कि जिस तरह का पिच होगा उस तरह की हमारी प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन रहेगी, फिर चाहे उसमें बदलाव ही क्यों ना करने पड़े। और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो चलिए 1 से 11 तक जानते हैं। सबसे पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है, ओपनिंग पेयर के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। आयरलैंड के खिलाफ पहले ही वर्ल्ड कप मुकाबले में अपनी खोई हुई फॉर्म को ये वापस ले चुके हैं, और रोहित शर्मा जैसे बड़े बल्लेबाजों की खासियत यही है कि इन्हें केवल एक मैच या एक पारी ही लगती है उस फॉर्म में लौटने के लिए। अब पाकिस्तान के खिलाफ भी रोहित शर्मा बहुत बड़े तरीके से ओपनिंग स्लॉट में विस्फोट करना चाहेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जिस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं उसे हिटमैन कहा जाता है। रोहित शर्मा के पास बड़े शॉट लगाने की काबिलियत है, सिक्सर किंग कहे जाते हैं। तो रोहित शर्मा अगर ओपनिंग स्लॉट में अच्छा कर गए तो फिर टीम इंडिया के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। देखने वाली बात है कि इस साल पिचें भी बहुत ही अलग बनाई गई है USA में, तो वो पिच भी किस तरह से रहती है उसके अकॉर्डिंग भी रोहित शर्मा अपनी पारी को जरूर ढालना चाहेंगे। इसीलिए ओपनिंग स्लॉट में सबसे पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। इनके साथ में नाम विराट कोहली का आता है। देखिए, विराट कोहली वो खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले कुछ समय से अपने आप को ओपनिंग पेयर के तौर पर पेश किया है, IPL में शानदार परफॉर्मेंस भी दी है, ऑरेंज कैप के विनर थे, और फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को एज अ ओपनर ही शामिल किया प्लेइंग 11 में। हालांकि पहले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, क्योंकि वो प्रैक्टिस मुकाबला नहीं खेले और पिच से भी इतना वाकिफ नहीं थे। लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ, चूंकि विराट के आंकड़े कुछ अजब गजब पेश करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कहते हैं कि विराट अकेला ही काफी है। देखते हैं कि किस तरह से ये ओपनिंग कॉम्बिनेशंस पे विस्फोट करते हैं। हालांकि बड़े बल्लेबाज हैं, पारी को बिल्ड करना, आगे बढ़ाना, विस्फोटक अंदाज में रन बनाना विराट कोहली की खासियत नजर आती है। तो ये विराट कोहली किस तरह से बल्लेबाजी ओपनिंग स्लॉट में करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। हाँ, पहले मुकाबले में फॉर्म नहीं मिल पाई है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी। शाहीन शाह अफरीदी की नई गेंद, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर की नई गेंद को ये दो खिलाड़ी फेस करने वाले हैं। फिर तीसरे पायदान पर नाम ऋषभ पंत का जाएगा। इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत ने अपने एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर जगह पक्की कर ली है। बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है ना ऋषभ पंत, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ जो बल्लेबाजी करी वो काबिले तारीफ है, मैच को फिनिश किया, वो कॉन्फिडेंस उनके पास में आ चुका है। और ऋषभ पंत जो काफी सालों बाद वापसी कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, अच्छी फॉर्म, अच्छी बैटिंग, अच्छी लय, वो रिवर्स कूप के शॉट लगाना, ऋषभ पंत अपने ट्यून में नजर आ रहे हैं। इसीलिए नंबर 3 जैसा विस्फोटक
पद इन्हें दिया गया है ताकि ये विस्फोटक अंदाज में रन बना सके। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी टॉप ऑर्डर में आगे हैं, तो वहां पर भी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ा पद ऋषभ पंत के लिए बनाया गया है। तो ऋषभ पंत नंबर 3 पर हैं, तो नंबर 4 पर टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री यानी सूर्य कुमार यादव आते हैं। देखिए सूर्य कुमार यादव हालांकि पिछले कुछ समय से अपने बल्ले से वैसी पारी को बिल्ड नहीं कर पाए हैं, फिर वो चाहे आयरलैंड के खिलाफ हो, फिर वो चाहे वार्म अप मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ हो या फिर आईपीएल में भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं जिसके लिए सूर्य का नाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा कद है। इसीलिए कई यूजर्स का कहना है, क्रिकेट फैंस का, कि सूर्य कुमार यादव को एज अ कंसीडर करते हुए कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 से बाहर बिठाया जा सकता है और उनकी जगह पर संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं क्योंकि सूर्य कुमार यादव इनको केवल बस कुछ गेंदे चाहिए फॉर्म में आने के लिए। ये बड़े खिलाड़ी है, T20 में इनका ओहदा बड़ा है। जब ये खेलते हैं तो मैदान के हर कोने में रन बनाते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के कई क्रिकेट दिग्गजों का कहना है कि अगर सूर्य का दिन हुआ तो फिर वो अकेला पूरा मैच पलट देगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इसलिए नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव का खेल तय है। नंबर 5 पर इंडियन क्रिकेट टीम के शिवम दुबे आ जाते हैं। देखिए लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी शिवम दुबे इंपॉर्टेंट है, हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं। शिवम दुबे बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं, मैच को फिनिश करने की काबिलियत रखते हैं और इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में जगह अपनी परफॉर्मेंस के दम पर बनाई और इनफैक्ट वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में भी शामिल है। तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस भी जरूरी हो गया और ऊपर से तेज गेंदबाजों को अगर पिच में मदद मिलती है तो शिवम दुबे के रूप में आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी विकल्प भी मिल जाता है। तो उस लिहाज से भी शिवम दुबे इंडियन क्रिकेट टीम के उस ऑलराउंड पैकेज में फिट बैठ जाते हैं। नंबर 5 पर शिवम दुबे, तो नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या की जगह पक्की है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सही मायनों में ऑलराउंड पैकेज को कंप्लीट करते हैं। हार्दिक पांड्या का कोई और विकल्प ही नहीं है। जिस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं, मैच को फिनिश करते हैं, विस्फोटक अंदाज में रन बना सकते हैं, इन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी वार्म अप मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ करी, अपनी फॉर्म लौटाई और उसके साथ में पहले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ जिस तरह की गेंदबाजी करी, 4 ओवर के स्पेल में 2-3 बड़े विकेट चटकाना, हार्दिक पांड्या वाकई में अनबिलीवेबल नजर आए हैं उस आईपीएल से एज कम्पेयर टू T20 वर्ल्ड कप में। तो हार्दिक पांड्या अपनी फॉर्म में लौट चुके हैं और नंबर 6 पर प्लेइंग 11 में इनकी जगह पक्की है। तो नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा की पक्की जगह बन चुकी है। जी हाँ, रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के 3D प्लेयर कहे जाते हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ये भी हैं, विस्फोटक अंदाज में मैच को फिनिश कर सकते हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, टप्पा पकड़ लिया तो बड़े से बड़े बल्लेबाजों को ध्वस्त करते हैं, रनों का अंबार ये लगा सकते हैं, विस्फोटक अंदाज में फिनिशिंग करना तो खैर इनकी आदत है। इसीलिए नंबर 7 पर टीम इंडिया के ऑलराउंड पैकेज में रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलिए नंबर 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव ये कहा जा रहा है कि कुलदीप यादव की यहाँ पर वापसी होने वाली है। देखिए कुलदीप यादव टीम इंडिया के चाइनामैन गेंदबाज है और चाइनामैन गेंदबाजों को हाथों से पट पाना पॉसिबल नहीं है। ये बदलाव तभी संभव होगा जब अगर पिच स्पिनर के लिए थोड़ी भी मददगार एज अ कैप्टन रोहित को लगी तो, क्योंकि देखिए रोहित ने साफ कहा है कि पिच के अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 होगी। अगर पिच वैसी बनी जैसे हाल ही में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, वहां राशिद खान ने 4 विकेट लिए, तो अगर वैसी पिच रहती है तो रोहित शर्मा कुलदीप यादव को तो 100% प्लेइंग 11 में लेंगे और वो लेंगे अक्षर पटेल की जगह पर 8वें पायदान पर। देखिए पिच वैसी ही है जहां तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल रही है और स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है, तो फिर कुलदीप यादव की जगह एज अ प्रॉपर स्पिनर के तौर पर नंबर 8 पर बनती है और इसीलिए अक्षर पटेल की पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 से छुट्टी होनी तय मानी जा रही है। तो नंबर 8 पर कुलदीप यादव हैं। फिर बात करते हैं तेज गेंदबाजी आक्रमण की, तो 9th पोजीशन पर नाम जसप्रीत बुमराह का आ जाएगा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी के प्रमुख अगुवाई करने वाले जसप्रीत बुमराह काफी कमाल के गेंदबाज हैं। ये नई गेंद हो या पुरानी गेंद, इनकी काबिलियत, इनका ओहदा, वो नॉर्मल गेंदबाजों से काफी ऊपर है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम का ये खिलाड़ी अपनी लय में नजर आया तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पसीने छूटने वाले हैं। इनके साथ में फिर अर्शदीप सिंह को शामिल कर लीजिए 10वें पायदान पर, लेफ्ट आर्म पेसर, पहला ही ओवर, मतलब गेंद अंदर आए बाहर जाए, क्या ही कमाल की गेंदबाजी अर्शदीप सिंह पिछले 2 मुकाबलों में करी है। आयरलैंड के खिलाफ भी शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाए हैं, तो फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी वार्म अप मुकाबले में वैसा कुछ किया था। इसीलिए यहाँ पर अर्शदीप सिंह की वैल्यू इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 में बढ़ गई है और इंपॉर्टेंस ये है कि वो उसी फॉर्म लय में गेंदबाजी करे। और इनके आगे नाम मोहम्मद सिराज का आता है। देखिए सिराज उस फॉर्म उस लय में तो नहीं है जिस तरह से वो जाने जाते हैं, वो आक्रामकता अभी तक इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई है,
तो यहाँ देखने वाली बात है कि मोहम्मद सिराज 11वें पायदान पर कैसा परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं। देखिए प्लेइंग 11 में एक बदलाव यह भी संभव है कि अगर स्पिन डिपार्टमेंट को मदद मिलती है तो सिराज को बाहर बिठाया जा सकता है और कुलदीप यादव को शामिल किया जा सकता है सिराज की जगह पर। उससे अक्षर पटेल आपको 8वें पायदान पर आकर बल्लेबाजी में गहराई दे सकते हैं। तो फिर आप 3 स्पिनर के साथ में जा सकते हैं और 3 ही पेसर के साथ में जा सकते हैं जिसमें शिवम दुबे आपके 4थे पेसर हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन देखने वाली बात है कि पिच कैसी होगी। लेकिन नॉर्मली रोहित ने यही कहा है कि अगर पिच सेम रही आयरलैंड वाली तो सेम प्लेइंग 11 होगी, अगर पिच थोड़ी बदली तो वहां प्लेइंग 11 में ये बदलाव संभव है। लेकिन इन सबके बीच में आपकी क्या राय और आप क्या मानते हैं बेस्ट प्लेइंग 11 अगेंस्ट द पाकिस्तान कमेंट में बताएं।